क्रॉस पर बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष संगठन को शक्तिशाली बनाएंगे ये कहते दिखे हैं महेंद्रनाथ पांडे। छोटे दलों से होगा गठबंधन, एनडीए का विस्तार तय है। 2014 से 2017 तक बीजेपी बेहद मजबूत हो गई, सपा बसपा और कांग्रेस एक साथ लड़कर भी उन्हें नहीं हरा सकते। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे जी हमारे साथ बात करने के लिए हैं। सर आपको बधाई भी, लेकिन कितनी बड़ी चुनौती समझते हैं इस पद को, क्योंकि 2014 हो या 2017 संगठन अपने उच्चतर स्तर पर है, इससे ऊपर ले जाने में बहुत ज्यादा कठिनाई होगी क्या? संगठन का आधार मजबूत है, संगठन का वर्तमान मजबूत है, तो उसको आगे ले जाने में सब कार्यकर्ता मिलकर काम करेंगे। हमारा काम है उनको प्रोत्साहन देना, कोई कठिनाई नहीं आएगी। सर राजनीतिक रूप से मजबूती देने के लिए छोटे छोटे दलों के साथ जो गठबंधन का दौर चला, चाहे राजभर समाज हो, पटेल समाज हो, अन्य समाज हो, वो आगे भी जारी रहेगा क्या? 19 से पहले व्यापक हो सकता है एनडीए का? निश्चित तौर से, जब राज्य की जो जमीनी जरूरत है उसके हिसाब से, जब जिसको जैसा जोड़ना, समाज के अच्छे लोगों को जोड़ना, समाज के सभी वर्गों को जोड़ना, इन सब पर जब ऐसी जरूरत होगी पार्टी बैठ के विचार करके निर्णय लेगी। एक अंतिम सवाल, जो पिछली बार चुनौती थी वो इस बार अलग होने की उम्मीद है, क्योंकि कांग्रेस सपा और बसपा एक साथ एक मंच पे नजर आ सकते हैं, तो उस चुनौती से पार पाने के लिए किस तरीके से, किस तर्ज में तैयारी होगी? कांग्रेस बसपा सपा जनता की निगाहों से बहुत दूर हो चुके हैं, हम लोगों के सामने कोई ऐसी चुनौती उनकी नजर नहीं आती है। कैबिनेट रिशफल के बाद हो सकता है कुछ मंत्री आपके साथ संगठन में काम करें, आपको लगता है कि उनसे भी एक नई एनर्जी मिलेगी? संगठन में बूथ इकाई से लेकर राज्य इकाई के प्रमुख स्थान तक जो भी कार्यकर्ता है, सबसे ताकत मिलती है। सभी ताकतों का समुच्चय ही है भारतीय जनता पार्टी। हमारी तरफ से मुबारकबाद, धन्यवाद। चलिए महेंद्र नाथ पांडे जी की माने तो साफ तौर पर क्या कहना कि संगठन क्योंकि मजबूत है, नींव मजबूत है, इसलिए अगर सपा बसपा और कांग्रेस एक साथ एक मंच पर भी आए तो 2019 के लिए कोई बड़ी चुनौती पेश नहीं हो सकती। हालांकि एनडीए का विस्तार जरूर होगा, छोटी पार्टियों को जोड़े जाने का मौका 2019 से पहले जरूर बना हुआ है। कैमरामैन केसर के साथ राहुल डबास, दिल्ली समाचार प्रेस।